हेलो बच्चों, इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन दैट एट 380 डिग्री सेल्सियस द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज 360 मिनट. द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन इज 200 किलो जूल पर मोल. कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% डिकम्पोजिशन एट 450 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा रेट कॉन्स्टेंट का और एन विल यूज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. हम देखेंगे रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, राइट. एन विल यूज हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो अभी देखते हैं, तो जो हमारा रेट कॉन्स्टेंट है, रेट कॉन्स्टेंट एट 300 केल्विन, एट 380 केल्विन, तो कितना होगा? K will be equal to 0.693 divided by T half. Or we can write 0.693 divided by 360 minutes. अब यहाँ पे टाइम कितना दिया गया था हमें? 360 मिनट. तो इसका आंसर आएगा 1.925 into 10 raised to the power minus 3 minute per minute. Okay, अब हम क्या करेंगे? log of k2 by k1 कितना होता है? From the Arrhenius equation, it is e divided by 2.303 into 1 by t1 minus 1 by t2. Okay, or we can say log of k2 divided by 1.925 into 10 raised to the power minus 3 per minute will be equal to 2000 into 10 raised to the power 3 joule per mole, right? Divided by 2.303 into 8.314 kilo joule per kelvin per mole, joule per kelvin per mole into यहाँ पे क्या है? 1/653 minus 1/723 kelvin. Or we can say, जो log of k2 का वैल्यू होगा, अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6.81 into 10 raised to the power minus 2 per minute. This will be the value of k2. अभी temperature, sorry, time कितना होगा? It will be equal to minus 2.303 divided by k into log of a by a naught. फाइनल कंसेंट्रेशन बाय इनिशियल कंसेंट्रेशन. तो इसका वैल्यू कितना होगा? टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 डिवाइडेड बाय 6.81 इनटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 लॉग ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 100 व्हिच विल गिव अस 20.4 मिनट्स एज आवर रिक्वायर्ड आंसर. टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे? 20.4 मिनट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 75%, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.